श्री कृष्ण टॉक टॉक अनुरूप रूप हम बहुत सारी बातें आपसे शेयर करते रहते हैं और आज इसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते रहते हैं। काफी किताबें पढ़ने में आती है, हर बार कुछ नई अलग बातें उन किताबों से हमें पता चलती है। रिसेंटली एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें एक चीज लिखी थी कि आप कोई भी एज में हो लेकिन आप नियर बाय 35 एज के अगर करीबन हो तो तुरंत आप 35 से लेकर 40 साल तक आप कब हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी कुछ बातें किताबों में लिखी थी। मैंने और पढ़ा, उसके बाद मुझे पता चला कि वो जो लेखक था वो ये सब बातें लिखते समय 61 वर्ष और वो कहते हैं कि जैसे मैं 40 साल का हो गया, 40 साल के बाद मेरा वक्त इतना तेजी से गुजरता चला गया कि मैं ये लिखते समय आज 61 साल का हो गया। तो दोस्तों तो ऐसे होता है हमारे जीवन में, जैसे हम 40 के हो जाते हैं उसके बाद हमारा जीवन काफी जल्दी गुजरने लगता है। आज यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी हमारे जीवन में कैसे उपयोगी होगी और हमारे जीवन का मकसद हम कुछ अलग तरीके से सेट करें, लाइफ का कुछ गोल हो और बहुत सारी चीजें हम बहुत जल्दी से जल्दी अचीव करें, इसलिए ये कहानी मैं बता रहा हूँ। एक गांव था, वो गांव में एक प्रथा हुआ करती, एक प्रथा थी। वो प्रथा ऐसी थी कि सब गांव वाले लोग इकट्ठा होते थे एक मैदान में और वहां पे एक हाथी आता था अपने सुंड में एक माला लेकर और वो ऊपर उछाल देता था। वो माला उछालने के बाद वो माला जिस व्यक्ति के गले में या हाथ में आ जाए वो व्यक्ति अगले 5 साल के लिए उस गांव का राजा हुआ करता था। वक्त गुजरता गया, हर बार 5 साल का राजा नियुक्त करने की ये प्रथा जारी थी और वहां पे और एक थोड़ी अचंभित करने वाली प्रथा भी थी। वो प्रथा ऐसी थी कि जैसे ही वो राजा का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता था वहां के जो सैनिक थे वो आ जाते और वो राजा को बंदी बनाकर पास वाले जंगल में नाव में बिठाकर छोड़ देते। तो वहां पर खूंखार जानवर उस व्यक्ति को वो राजा को खा जाते और ऐसे प्रकार से उसका अंत हो जाता था। लेकिन ये प्रथा काफी सालों से चली आ रही थी और ये हर बार हो रहा था और कोई भी राजा अपने मन से या अपने खुशी से वहां पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां पे मृत्यु निश्चित थी। कई साल बीत गए, फिर एक बार एक व्यक्ति राजा बनने के लिए नियुक्त किया गया और वो 5 साल तक राजा था। लेकिन जैसे उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ सैनिकों से पकड़ने के लिए आए क्योंकि हर बार यही होता था कि कोई भी राजा खुशी से वो जंगल में नहीं जाना चाहता था। इस बार सैनिक उसे पकड़ने आए और सैनिक उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो राजा बोला कि मुझे मत पकड़िए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे आप हथकड़ी या बेड़ी या मत लगाइए, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और वो राजा उन सैनिकों के साथ जाने लगा, नाव में बैठा और नाव में बैठने के बाद उस राजा को अभी जंगल में छोड़ा जाएगा, जंगल में भेज दिया जाएगा और वहां पे उसका अंत निश्चित था। लेकिन वो राजा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं थी। न जाने वो जो नाव चला रहा था उसे उससे रहा नहीं गया क्योंकि उसने हर बार आक्रोश देखा, हर बार कोई भी राजा खुशी से उस जंगल में नहीं जाया जाता था, उसे पकड़ कर बांध कर घसीट कर ले जाया जाता था। ये सब चीजें उसने देखी थी और ये राजा ने इसे क्या कर दिया, क्या अलग कर दिया, ये
प्रश्न उस जो जो वो नाव चला रहा था उस व्यक्ति को गया और उसने उस राजा को कहा कि राजा आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे क्या चीजें आपने की कि आप हंसते हुए उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो। राजा बोला बड़ी महत्वपूर्ण बात तूने मुझसे पूछी है और अगर आपने पूछी है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे यह पता था कि यहाँ पे मेरा कार्यकाल जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए है, ठीक है, ये मुझे पता था। और मुझे ये भी पता था कि अगले आने वाले 5 साल के बाद मुझे यहाँ के सैनिक यहाँ के लोग पकड़ घिसट कर मुझे जंगल में छोड़ देंगे, ये मुझे सब चीजें पता। तो मैंने क्या किया कि जैसे मैं राजा करके नियुक्त हुआ यहाँ इस राज्य पर, तो मैंने कुछ विश्वास हरता और विश्वास करने जैसे लायक लोग मैंने चुने और हमारे बाजू में जो जंगल है वो जंगल को पूरी तरह से साफ कर दिया। वहाँ के भूखा जानवर है उन्हें मैंने अच्छी जगह पे स्थलांतरित कर दिया। बाद में मैंने कुछ ऐसे व्यापारियों को पकड़ा जो वहाँ पे जाकर व्यापार कर सके। मैंने कुछ वहाँ पे निर्माण किया, कुछ अच्छी दुकानें बनाई और यहाँ के जो भी व्यापारी वर्ग है उनको मैंने वहाँ पे भेज दिया और कह दिया कि आप यहाँ पे आराम से व्यवसाय कर सकते हो, इस राज्य में आपको टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स की बड़ी परेशानी होती है हर लोगों को, तो वहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ के व्यापारी काफी खुश हुए और वो व्यापारी उस जंगल जो था जो मैंने वहाँ पे काफी बढ़िया शहर बना दिया है तो वहाँ पे वो व्यापारी चले गए। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 साल के लिए राजा था लेकिन ये जो मेरा नया राज्य बना है वहाँ के लिए मैं जीवन भर के लिए राजा रहूंगा। तो दोस्तों ये चीज उस राजा ने की, उसे पता था कि 5 साल के बाद उसे भी पकड़ के उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेट मी प्रैक्टिकल, अभी हमारे जीवन में ये सब चीजें कैसे आती आती हम भी जब यंग होते हैं तो जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं कि हमें अगर कुछ एंजॉयमेंट करनी है तो हम पैसे खर्च कर देते हैं, हमें होटल में जाना है हमें कुछ खाना है तो हम पैसे खर्च कर देते हैं, यहाँ से हम स्टेशन तक जाना है फिर भी ऑटो या टैक्सी से चले जाते हैं, यही हमारा जीवन होता है। 60 के उम्र तक 40 से 60 का ये जो भी वक्त आपको मिला है इस वक्त में यही सब चीजें हमारे साथ भी होती हमें पता है। और उस राजा को भी जैसे पता था कि 5 साल के बाद उसे भी पकड़कर घसीट कर उस जंगल में फेंका जाएगा। वैसे ही मैं काफी लोगों से जब मिलता हूँ जिनकी उम्र आज 50-55 या 60 साल के करीबन है उनका जीवन भी एक समय के बाद ऐसे ही दुख भरी कहानी हो जाता है और वो काफी रोते हुए हमें दिखते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, हम राजा के तरह रहे लेकिन बुढ़ापे में हमें काफी दिक्कतें सहन करनी लगी। तो हमारे जीवन में भी हम राजा की तरह ही जीते जब तक कि हम 60-60 उम्र पर नहीं पहुंच जाते। लेकिन 60 के बाद क्या होता है, 60 के बाद आपको पकड़ घसीट के उस जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां पे आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछेगा। इसलिए जो भी समय आपके पास है जो भी वक्त आपको मिला है वो वक्त आप उपयोग में लाना है। और हमारे पास काफी वक्त है ऐसा हमें लगता है लेकिन जो लेखक की बातें मैंने आपको कही कि जब वो 40 से लेकर 60 साल 61 साल का हो गया उसे पता ही नहीं चला कि कितने जल्दी उसके हाथ से समय गुजरता चला गया। सो दोस्तों दूसरी बात ये है कि आपको जीवन में पैसे बचाने चाहिए, आपको सेविंग करनी चाहिए
आज आपके जो भी लीगल एडवाइस है, आपके फाइनेंशियल एडवाइस है, उनसे आप बातें कीजिएगा और जितना पैसा बचा सके आपके पुढ़िल जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबसे बड़ी बात तो उस उम्र के लिए ये बड़ी सहायता रहेगी। थैंक यू सो मच।